हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए देखिए, आज हम अरवी गोश्त बनाने जा रहे हैं। तो चलिए आइए अरवी गोश्त की रेसिपी देख लेते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेगा। प्लीज़ गाइस पूरी रेसिपी देखिएगा। तो देखिए, हमने आधा किलो ये अरवी ले ली है, इसको अभी हमने छीला नहीं है। और ये देखिए, ये गरम मसाला है, इसको हमें पीसना है। और ये आधा किलो मटन है। और देखिए, ये दो मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसको हमने बारीक काट लिया है। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, दो चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर। तो ये देखिए, हमने ये तेल कुकर में डाल लिया है। और अब हम इसमें जो हमने काट के प्याज रखी थी उसको डाल देंगे। तो गाइस चलिए, अभी हमने इसमें प्याज डाल दी है। अब ये प्याज लाल हो रही है, प्याज लाल हो जाएगी, फिर हम इसमें गोश्त डालेंगे। जब तक कि हम ये गरम मसाला पीस लेते हैं और अरवी को छील लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो चलिए, ये देखिए, ये प्याज लाल हो गई है। बस हमको इसी तरह से लाल करना थी प्याज, इतनी ही। और अब हम इसमें गोश्त हमने डाल दिया है, ये देखिए हमने इसमें सारा गोश्त डाल दिया है। इसको भून लेंगे अच्छे से पहले हम, इसका पूरा रंग बदल जाए गोश्त का जब तक के भूनेंगे। अब देखिए, हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब हम पेस्ट डाल के भी इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए, ये भुन गया है। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे, बस हम इसको इसी तरह से भूनना है। ये देखिए, हमने ये हल्दी पाउडर भी इसी में डाल दिया है, धनिया पाउडर, सारे मसाले एक साथ हम इसमें डाल देंगे। और गोश्त को खूब अच्छे से भून लेंगे। पहले हमको इसको सीटी लगाने से पहले हम इसको भून लेंगे, क्योंकि ये मटन है, जल्दी गल जाएगा। बस देखिए, हमने इसमें एक छोटा प्याला पानी का डाला है। और अब हम इसको भून लेंगे खूब अच्छी तरह से। ये देखिए, ये भुन गया था। अब हमने इसमें एक कटोरी पानी डाला, इसको और भुनेंगे खूब अच्छे से। जब ये भुन जाएगा, जब हम इसमें सीटी लगाएंगे, तो देखिए गाइस, गाइस गोश्त भुन गया है, ऑलमोस्ट गोश्त ये पूरा भुन गया है। अब हम इसमें सीटी लगाएंगे। तो चलिए चलिए गाइस, देखिए गोश्त भून लिया हमने। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, इसको जब तक के भूनना, जब तक के इसकी हल्दी की जो महक आती है वो ना ख़त्म हो जाए। ये देखिए, गोश्त पिघल गया है, गोश्त अभी ज़्यादा गला नहीं है। इसमें एक सीटी लेंगे हम, फिर अरवी डाल के सीटियाँ लेंगे। ये देखिए, हमने इसमें पानी डाल दिया है, मसाला पहले से भून लिया था, इसलिए हमें पानी डालने से कुछ इसमें वो नहीं होगा। आप हिसाब से पानी डाल सकते हैं, ज़्यादा कम। और ये देखिए, हमने इसमें सीटी लगा ली, दो सीटी ली हमने इसमें। चलिए गाइस, देखिए ये गोश्त गल गया है अच्छे से खूब। ये देखिए, गल गया है। अब हम इसमें अरवी डाल देंगे। अरवी को हमने छील लिया था, साफ़ करके धो लिया था इसको। छोटी अरवी है तो इसलिए हमने अरवी में कट नहीं लगाया है, ऐसे ही गल जाएगी। तो गाइस देखिए, आपको जितना गाढ़ा पतला करना है शोरबे को, उतना आप पानी डालिए हिसाब से। और ये देखिए, गरम मसाला जो हमने पीसा था, तो ये बारीक नहीं हो रहा था, तो हमने इसको गीला पीसा था। तो अब हम इसको भी इसी में डाल देंगे। और स्वाद अनुसार हमने इसमें नमक डाल दिया है। बस अब हम इसमें सीटी लगाएंगे, दो सीटी लेंगे इसमें। अरवी गल जाएगी दो सीटी में अच्छे से। तो चलिए गाइस, देखिए हमने दो सीटी ले ली थी,
और देखिए इसका हमने ये इतना ही शुदवा रखा है और अरवी भी गल गई है। तो चलिए देखिए गाइस, अरवी गोश्त बनके तैयार हो गया है। अरवी गोश्त में अरवी को बहुत अच्छे से गलाना रहता है तो ही खाने में टेस्ट आता है। चलिए देखिए, ये देखिए अरवी गोश्त तैयार हो गया, बहुत ही, ये देखिए बहुत ही क्रीमी अरवी लग रही है देखने में भी और खाने में भी। देखिए इसको हमने इस तरह से गला लिया अच्छे से, ये देखिए ये बहुत ही क्रीमी लग रही है अरवी। तो चलिए गाइस, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा।